आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि उबर कैब को कैसे बुक करेंगे। एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए आप उबर कैब को कैसे बुक करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो बहुत सारे ऐसे टूरिज्म होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कहीं जाने के लिए वो सोचते रहते हैं कि हम कौन सा गाड़ी बुक करें या ना करें। उसको पता ही नहीं होता है कि उबर कैब को बुक करने से आप बहुत ही जल्दी जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप उबर कैब को बुक करेंगे अपने मोबाइल फोन से ही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उबर कैब बुक करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसका जो रेटिंग देख रहे हैं 4.5 का है तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ गेट स्टार्ट का है। अब ये गेट स्टार्ट पे क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहां से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का एक OTP आएगा। ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर नहीं लेगा तो आप इसको डाल देना, जैसे मेरे केस में यहां पे ले लिया है। यहां पे आपको फर्स्ट नाम डाल देना, जैसे मैं यहां पे नाम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नाम डाल देना, जो भी आपका लास्ट नाम है। इसके बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो है न्यू टैब ये ओपन होके आपका आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका लर्न मोर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ परमिशन मांग रहा है, इसको आप अलाउ कर देंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, यहाँ पे गेट नॉप ओके करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पैटम और कैश का तीनों का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ कैश से बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैश वाला पे चूज कर सकते हैं या यहाँ से आप डायरेक्ट स्किप करिए और बाद में भी आप इसको एड कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ओपन होते ही यहाँ देख रहे हैं कि मैप में आपको कुछ इस तरीके से इसका ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ का लोकेशन ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे मैप वाला पे क्लिक करके मैं आप दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैप पे, यहाँ पे देखिए मैं बांसुरपट्टी में हूँ तो ये जो लोकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ का लोकेशन ये शो कर लेगा। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर कुछ न्यू फंक्शन दे रखा है, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ वेयर टू जो लिख रखा है, यहाँ नाउ लिख रखा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे तो यहाँ आप कौन सा डेट में है जो है उबर कैब बुक करना चाहते हैं वो आप डेट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 9 फरवरी वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फरवरी और मार्च, यहाँ 2 महीने तक आप 11 तारीख तक आप इसको बुक कर सकते हैं उबर कैब को। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। यहाँ जैसे हमको आज ही जाना है 9 फरवरी में, तो मैं यहाँ पर 9 ही फरवरी को रहने देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको टाइमिंग भी चूज कर सकते हैं, कितना टाइम में आपको बुक करना है। तो इस तरीके से देखिए 4 बजे या 5, 6, 7, इस तरीके से जितना टाइम आप बुक करना चाहते हैं इस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप मिनट चूज कर लीजिए, यहाँ पर कितना मिनट में आप जो है उबर कैब को बुलाना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं इस तरीके से। तो हम चलिए हमको आज ही डेट में जो है उबर कैब बुक करना है तो यहाँ से हम कैंसिल हो जाते हैं। आपको अगर कोई डेट में बुक करना है तो इस तरीके से यहाँ पे आप टाइमिंग डाल के यहाँ पे सेटअप पिक पर क्लिक करके उसको आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे हमको आज ही जाना है और अभी जाना है तो जैसे हम यहाँ वेयर टू गो पे यहाँ पे अपना लोकेशन सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हमको यहाँ पे लाल किला से जाना है कुतुब मीनार, इसमें यहाँ पे लाल किला डाला। यहाँ पे आपको सर्च लिस्ट में आपको सारे सारे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रेड फोर्ट आ चुका है और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नीचे वाले ऑप्शन में, यहाँ पे कुतुब मीनार डाल देता हूँ। इस तरीके से जैसे डालिएगा कुतुब मीनार तो आपको यहाँ पे सर्च लिस्ट में ये आ जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कि जो उबर कैब है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएगा और जो गाड़ी है वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ कुतुब मीनार और यहाँ रेड फोर्ट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर सारे के सारे जो है जाने वाले जो है गाड़ी है, ऑटो है, बाइक, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो कर देता है और कितने कितने पर्सन लेके जाएगा वो सारे के सारे आपको यहाँ
यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए उबर गो है 4% को लेके जाएगा 253 रुपया है, ऑटो है 199 रुपया है, यहाँ पे गो सडन है, यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे उबर गो है, गो सडन है, ऑटो है, बाइक है, यहाँ बाइक एक आदमी को लेके जाएगा, ऑटो 3 आदमी के लेके जाएगा, सडन जो है 4 आदमी के ले जाएगा। इसी तरीके से जितना प्राइज बढ़ते जाएगा आपको यहाँ स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे जो है उबर गैप यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका प्राइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सल का आप देख सकते हैं 839 रुपया है। तो आपको जिसको भी बुक करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमको यहाँ इसमें आते हैं, यहाँ पे मैं जो है ये फोर व्हीलर है जो है इसको मैं बुक कर लेता हूँ यहाँ पे उबर गो को। तो यहाँ पे 253 रुपया इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आप ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए गो का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पे कैश देना चाहते हैं या कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ कैश जो है इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे देखिए एड पेमेंट मेथड का। तो यहाँ पे आप क्लिक करके पेमेंट मेथड को आप यहाँ पे एड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अमेजन पे से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम और गिफ्ट कार्ड से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमको कैश ही देना है तो हम यहाँ कैश ही वाले पर टिक रहने देते हैं। जैसे यहाँ देखिए टिक लगा हुआ है, आपको यहाँ पे टिक रहने देना है। यहाँ पे कन्फर्म यूबर गो पर क्लिक करके इसको आप कन्फर्म कर लीजिए तो वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मीट ड्राइवर हियर, मतलब ये चीज कन्फर्म है और जाने के लिए तैयार। यहाँ कन्फर्म पिकअप पर क्लिक करके इसको आप कन्फर्म कर लीजिए। चलिए हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं। इसको कन्फर्म करने के लिए इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जितने हैं यहाँ पे एग्री एंड डैट पर क्लिक कर दीजिए और जितने रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको उबर गैप यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पर देखिए कि आपका लोकेशन ये शो कर रहा है और यहाँ जो आपका है लाल किला से या कुतुब मीनार के लिए यहाँ पे देखिए जो उबर गैप आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका लोकेशन आपको बता रहा है, यहाँ कुतुब मीनार, ऊपर है रेड फोर्ट मतलब लाल किला। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ उबर गैप जो है आपका आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से देखिए आपका लोकेशन शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको जो है उबर गैप यहाँ पे देखिए 3 मिनट में आपको यहाँ पे ऊपर ड्राइवरी का जो ऑप्शन आ चुका है ऊपर में, और यहाँ पे जो है ड्राइवर आपको कॉल भी कर सकता है। अगर वो आप उसका लोकेशन उसके पास चल जाता है तो वो आपको कॉल भी करेगा अगर करना होगा तो, नहीं तो नहीं करता भी है। तो यहाँ पर जैसे बुक किए हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ड्राइवर का जो नाम आ चुका है शाह, और यहाँ पे जो है कौन सा है दिखाएं उबर कैब की तरफ से यहाँ पे कॉल आ रहा है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कॉल आ रहा है। तो जो उबर कैब की तरफ से कॉल कर रहा है कि क्या आप श्योरली जाना चाहते, तो यहाँ पर देखिए ये कॉल आ रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जाना चाहते हैं, तो इसको आप बात कर सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पर डिलाइन कर देते हैं, तो ये डिलाइन पर क्लिक करके हम इसको कट कर देते हैं। इस तरह से आपको कट कर देना। यहाँ देखिए कि कॉल आ रहा था, मैं आपको लाइव दिखाया हूँ, तो आपको इसी तरीके से कॉल आएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा उबर गैप है वो शो कर देता है, गाड़ी का नंबर यहाँ पे उसका पिक भी यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पर कॉल करके उससे बात भी कर सकते हैं ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर पैसा देख सकते हैं। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर कैंसिल वाले है, कैंसिल वाले पर क्लिक करके इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आप बुक भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ आर यू श्योर, हम श्योर है, यस कैंसिल, यस कैंसिल पे क्लिक करके हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी उबर गैप को बुक कर सकते हैं, उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यह कैंसिल हो चुका है और ये हट चुका है। अब तो ये बात हुई कि आपको एक शहर से एक ही शहर में कहीं जाने के लिए आप उसको ऐसे बुक करेंगे। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाइएगा तो उसको आप कैसे बुक कीजिएगा? तो उसको बुक करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाएंगे वेयर टू पे, उसी तरीके उसी ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ जाना है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग करना। जैसे हमको यहाँ से जाना है, जैसे यहाँ हमको जाना है कुतुब मीनार से जाना है हमको बिजनौर, तो यहाँ पर कुतुब मीनार डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुतुब मीनार डाल दिया हूँ, कुतुब मीनार डालने के बाद सिंपली यहाँ सर्च करके यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन। जैसे यहाँ देखिए कुतुब मीनार आ चुका है, अब मैं नीचे डाल देता हूँ बिजनौर, क्योंकि हमको कुतुब मीनार से बिजनौर जाना है, यूपी है, तो मैं यहाँ पे बिजनौर डाल देता हूँ। यहाँ देखिए बिजनौर आ जाएगा, ये यूपी में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको जहाँ जाना है वहाँ का लोकेशन चूज कर लेना। जैसे यहाँ बिजनौर आ चुका है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब बिजनौर जितने गाड़ी जाएंगे मतलब उबर कैब जाएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा, और कितना प्राइज है, कितना पर्सन लेके जाएगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पर देखिए कि उबर गो यहाँ पे आ चुका है, उबर सडन, यहाँ ऑटो वगैरह अगर जाएंगे तो वो आएगी, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सब जाएगी, यहाँ पे है गो इंटरसिटी, एक्सल है, प्राइम है, यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे पॉपुलर में आपको यहाँ मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर जाइएगा, यहाँ पर गो इंटरसिटी, एक्सल है,
और ये आपको प्राइम में यह सब है, तो इसका प्राइस भी देख सकते हैं कितने कितने पर्सन लग जाएगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक्सल वाले को बुक कर लेते हैं, ऊपर स्क्रॉल को करके यहाँ पे एक्सल यहाँ 3800 कुछ रुपया है, तो यहाँ पे मैं एक्सल वाले पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म एक्सल इंटरसिटी इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप इसको बुक कर सकते हैं जाने के लिए। यहाँ देखिए कि ऑप्शन आ चुका है मेरे ड्राइवर हेयर, यहाँ पर कन्फर्म पिकअप वाले पर इसको क्लिक करके इसको कन्फर्म कर लीजिए। यहाँ कन्फर्म वाले पर क्लिक करके मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ, एग्री एंड राइट पर क्लिक करके मैं इसको एग्री कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए कि यह सारे लोकेशन यहाँ पर आपका इसका शो कर रहा है, तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये जो है यह मोहम्मद नईम सिद्दीकी है, और यहाँ पे उबर कैब का जो है कौन सा उबर कैब है वो शो कर रहा है और गाड़ी का नंबर शो कर रहा है। ये एक मिनट में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और देखिए कि ये जो है आपको कॉल कर रहा है उबर कैब के तरफ से, तो आप इससे बात कर सकते हैं अगर जाना है तो, नहीं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, इस तरीके से हम इसको डिलाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका पिक्चर आ चुका है और इसका नाम आ चुका है और इसका गाड़ी का नंबर, और एक मिनट में आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर उबर कैब का आपको लोकेशन शो कर रहा है कितनी देर में आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक मिनट में ये आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर देखिए कि इसको आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनौर जाएगा और यहाँ पे आप उसका पैसा देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे है आपका जो है कैंसिल भी कर सकते हैं और इसको जो है सेफ्टी के लिए इसको रख भी सकते हैं। तो आपके पास आएगा, सिर्फ आपको बैठ जाना है और आपको चल जाना है। इसे आपको अगर ये बुक नहीं करना है तो सिंपली यहाँ कैंसिल वाले पर क्लिक करके इसको भी आप कैंसिल कर, जैसे मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ कैंसिल वाले पर क्लिक कर दूंगा। और कैंसिल वाले पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कॉल आ रहा है, मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, उस वही है जो उबर कैब की तरफ से है। तो चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के लिए कैंसिल वाले पे क्लिक करके इसको आपको कैंसिल कर देना है। तो आप इसको बुक भी कर सकते हैं और इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको कैंसिल करके दिखा देता हूं। यहां से देखिए आर यू श्योर, हाँ हम श्योर है, यस कैंसिल वाले पे क्लिक करके इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बुक भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो है यह कैंसिल हो चुका है, अब यह आपको कॉल भी नहीं करेगा और यह आपका कैंसिल हो चुका है। सो एक ही शहर में आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए बुक कर सकते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए भी आप बहुत ही आसानी से उबर कैब को बुक कर सकते हैं। यहाँ थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे योर ट्रिप पे क्लिक करके आप जितने भी बुक किए रहेंगे या कैंसिल किए रहेंगे वो सारे के सारे आपको ये चूज योर ट्रिप में आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कि मैं इतने सारे को यहाँ पर बुक किया हूँ और इतने सारे को मैं यहाँ पर कैंसिल कर दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर आपका जो कौन सा उबर कैब है वो सारे के सारे यहाँ पर आपका यह आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चूज योर ट्रिप में आप जितने भी बुक किए रहेंगे या जितने कैंसिल किए रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर देता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इसी तरीके से यहाँ हेल्प पे जाएंगे, हेल्प जाने के बाद आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा अगर आपको जो ओवर गैप में कुछ रिफंड का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसको रिफंड वाले भी जाके यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो। गाइस इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से ओवर गैप को बुक कर सकते हैं एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या एक शहर से दूसरी शहर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए बहुत ही आसानी से आप ओवर गैप को बुक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। सो गाइस यही वो तरीका है जिससे आप बहुत ही आसानी से उबर कैब को बुक कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या आउट ऑफ स्टेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।